हाँ तो प्रेमियों, आज आपकी सेवा में किस्सा गोपी चंद के दूसरे भक्त की रागनिया पेश करता हूँ। यह कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैरावंती सोच रही थी कि बुद्धि ने तुझको धोखा दिया है, ऐसा ना हो कि गोपी चंद तेरे हाथों से छिनकर दरदर की ठोकर खाने का आदि हो जाए। और यह सोचती हुई वह महल में आ जाती है। यह चिंता माँ को भून रही थी कि तभी गोपी चंद की 16 रानियां बेचैन होकर सुबह माँ मैनावंती से क्या पूछती है। अरे अरे साज गई सुबह हुई तरसते, साज गई सुबह हुई तरसते आए ना पिया बंदी आई ढूंढे हमारे पाए ना पिया। हाथ जोड़ बूझे थी मैं नाते वसूले रानी संसार सुन सा लग रहा छल के थनेन से पानी। रानी चुप चाप सुबह करी खुद रच गई नई कहानी। थर थर सब गात कापिया कोई काम करे ना बाणी। थर थर सब गात कापिया कोई काम करे ना बाणी। मैं सुत खड़ी मात बनी बोली धीरदार लो लाऊं थरा पिया फेर के मन मिटी थरी रोशनी गई ठोकर मार ढेर के। कैलाश की शिखा चढ़ाया मन अपना हंस घेर के। गुरु शरण ज्ञान की माला पैरा दई गले शेर के। चली टेर के मात कहा समय जाए ना पिया बंदी आई ढूंढे हमारे पाए ना पिया। शाम गई सुबह हुई तरसते आए ना पिया बंदी आई ढूंढ हमारे पाए ना।
16 रानियां से उनके पति का नगर में ना रहने का कारण जानने की आशंका ने मैनावंती को चिंता निधि से निकालकर जवाब देने को मजबूर कर दिया। माँ का हृदय फटना चाहता था, इंद्रियां शिथिल हो गईं। माँ की इधर पुत्र वधुएं जवाब चाहती थी, इधर माँ की अंतर आत्मा बूझ रही थी कि पापन तुझको क्या अधिकार था। 16 मस्ती के सिंदूर स्वामी को योगियों की काली भस्मी में डुबा देने का, यदि तुझको अपना पुत्र गृहस्थ घास्त से उठाकर दीर्घ काल तक पहुंचाना था तो इन निर्दोष कन्याओं के यौवन से खिलवाड़ करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसा सोचकर माँ मैनावंती गुरु गोरखनाथ के बाग को नंगे पैरों दौड़ने लगी। अरे अरे महारानी बेचैन भगी, जन धरती पे पा पड़ता ना, पूरण मा को छिपा चंद्रमा, पूरा फिर निकलता ना। महारानी बेचैन भगी, जन धरती पे पा पड़ता ना, चंद्रमा पूरा फिर निकलता ना। रे महारानी बेचैन भगी, घर में छवि छलकती है बहु, सोले एक कंठ करके बेहूती को के मिल जागा, अपना आप अंत करके कदम सेन का वंश मिटेगा, गोरखनाथ पंथ करके सोले मिटे से दूर रे सुत, इकलौते न संत करके खरल में गिर शांत करके, रे खरल में गिर शांत करके, पर पारे में नग जड़ता ना, पूरण मा को छिपा चंद्रमा, पूरा फिर निकलता ना। महारानी बेचैन भगी, आठ पैर बिन मिले पिया बहु, डूबी सभी हरारत में, खिलते हुए चमन को सचमुच करने लगी नदारत में, एक अमर सोले हत्या कैसी अंधी हुई स्वारत में, हो गया पुते फकीर नास हुआ, माँ की छदम शरारत में, जो जानती बात अदारत में, जो जानती बात अदारत में, तो घर का रंग बिगड़ता ना, पूरण माँ को छिपा चंद्रमा, पूरा फिर निकलता ना। रही निर्भागी माँ, ममता ने पागल सी कर दी, भूल में धोखा खागी माँ, पूत गया घर लुटाया चालक, पूरे दाग में दागी माँ, के ढेर
नरम आत्मा माँ के जैसी, नरम आत्मा राम किसी की गढ़चाना। पूरण माँ को छिपा चंद्रमा पूरा फिर करताना। चुबे लगे कई ठोकर लगन पैर में पड़ेगा। यारे मिल दौड़ के इकली निकट बाग के आगी माँ। भोजन भर विस्तार बाग का कित जागी ना पावेरा। झुके वृक्ष हो रहा अंधेरा पक्षी भी ना पड़ेगा। गुरु शरण दास जा डूब मल्ला, गुरु शरण दास जा डूब मल्ला। फिर जाज घाट पे भिड़ता ना। पूरण माँ को छिपा चंद्रमा पूरा फिर लिकड़ता ना। धरती पे पापड़ता ना। पूरण माँ को छिपा चंद्रमा पूरा फिर लिकड़ता ना। महारानी बेचैन भगी गोरखनाथ ने गोपी चंद को शिष्य स्वीकार करके और शिष्य संस्कार लगभग पूर्ण कर लिया और उनका मुंडन कर दिया। जनेऊ संस्कार वेद विधि से पूरा किया, पीतांबर पहना दिया और चरण खड़ा अर्पित कर दी। बहुत से योगियों के बीच गोपी चंद को खड़ा करके गुरु गोरखनाथ उनका करण छेदन चाहते हैं। गोपी चंद का शारीरिक साहित्यिक गुण का भोगी है और उसके बिना प्रजा भी त्रस्त हो जाएगी। गोरख सोचते हैं कि जब गोपी चंद की माँ को अपनी भूल का ज्ञान होगा तो क्या वो जीवन भर इस दुख से दुखी नहीं रहेगी। लेकिन इन सब शंकाओं को ध्यान से हटाकर गुरु गोरखनाथ गोपी चंद का करण छेदन करने को खड़े हो गए। अरे कान छेदनी कर दे उठाली, खेती जमी ख्यालों की गुरु गोरख के हाथ काप गे। लगी झड़ी सवालों की कान छेदनी कर दे उठाली, खेती जमी ख्यालों की गुरु गोरख के हाथ काप गे। हे लगी झड़ी सवालों की कान छेदनी कर दे उठाली, खेती जमी ख्यालों की। अरे एक मन बोला गुरु गोरख तुम्हें गोपी चंद को जोग न दो। इकलौती माँ का सुत है इस तत्मसी महायोग न दो। शुद्ध सत्य गुण का भोगी नृप सुर साधन का रोग न दो। मातम ले बिजली टूटगी जनता के दिल सोग न दो। भोग में संत भी हो गल न दो, भोग में संत भी हो गल न
दो जिसे व्यंजन मिले मसालों की, कान छेदनी कर दे उठा ली खेती जमी ख्यालों की। अरे एक मन बोलिया जोग लेन क्यों भेज दिया माने घर ते, फिर आत्मा बोल उठिए आया है मेरे तू डरते, के जाने थी बोली माँ कोई बच्चा नहीं जगन से वरते, किस तरह योग ने साथ देगा जन ऐस करी जीवन भरते, भीख मांगना दर दर तेरे भीख मांगना दर दर तेरे, चर्चा बड़े भूपालों की कान छेदनी कर दे उठाली खेती जमी ख्यालों की। अरे चेला करुणा गोपी चंद को मन के भावे तुरत फिर गे, मौका जाले संत पे पड़ गया हाथों ते कुंडले गिर गे, गोपी बोलिया वचन दिया गुरु कह दिया शिष्य आज तिर गे, वचन हार का पाप लगे मजबूर गुरु को रखे गिर गे, लगता ही कर काल चिर गेर लगता ही कर काल चिर गे, लहू शिकर भीज गी बालों की कान छेदड़ी कर दे उठा ली खेती जमी ख्याल। देखिए कैसी मार्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई कि उधर गुरुजी ने गोपीचंद का करण छेदन किया, जिसका दर्द गोपीचंद को असह और घबराकर अरी मैया का स्वर गूंज उठा, और इधर मैनावंती बाग के रास्ते उसी तरफ ओ गोपी बेटा कहकर पुकार उठी। दोनों मार्मिक शब्द आकाश के सीने को चीरते हुए आपस में टकरा गए। इस अवस्था ने योगियों को ब्रह्मानंद से छीन लिया था और योगी भी अपने को बगैर मां के अभागा समझने लगे और कहने लगे कि मां की आत्मा में ईश्वर का वास होता है, मां की पूजा करना ईश्वर की सही पूजा होती है, जगत मिथ्या हो सकता है परंतु मां का महत्व मिथ्या नहीं हो सकता। और उस समय का वातावरण इस प्रकार था। अरे आसमान तक गूंज उठ्या माँ बेटे की बाणी ते, जोगी हो गए अलग खड़े थोड़ा गड़ती राणी ते, थोड़ा गड़की राणी ते, आसमान तक गूंज उठ्या माँ बेटे की बाणी ते, जोगी हो गए अलग खड़े धौला गढ़ की रानी तेरे, धौला गढ़ की रानी तेरे।
बेटा पक गया ज्ञान बिखर झोली ते, ज्ञान बिखर झोली ते। अरे गोपी चल की और चली वा तेज घड़ी गोली ते, लाल धरोवर लिट गया से जले निर्धन की नौली से रे, निर्धन की को अपने गोपीचंद के अलावा कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। वो सीधे गोपीचंद की ओर चली, परंतु वहां तो विधि का विधान ही बदल चुका था। जिस दुर्घटना का उन्हें आदेशा था वह हो ही गया। उसका गोपीचंद उसके अंग से निकल चुका था। उस समय मां को गिलानी ने दबा लिया। बेटे को छूने को मां की आत्माओं ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वह अब उसका नहीं रह गया था। वो सर्वसमदर्शी हो गया था। अपनी मां की डगमगाती दशा को देखकर गोपीचंद उन्हें समझाने लगा और अपने को पहले से अधिक
आनंदित घोषित करने लगा। हरी ममता है तुम्हारी भ्रमता, ममता है तुम्हारी भ्रमता, जुगती जोड़ जाओ माँ, संसार कर्म का बंधन है तुम तोड़ जाओ माँ, तुम तोड़ जाओ माँ, हो माँ मैं नावंती, हो माँ मैं नावंती, ममता है तुम्हारी भ्रमता, जुगती जोड़ जाओ माँ, मेरी माँ ज्ञान का बसता, जिस मोड़ से गुजरे रास्ता, जिस मोड़ से गुजरे रास्ता, उस मोड़ जाओ माँ, संसार कर्म का बंधन है तुम तोड़ जाओ माँ, तुम तो हुआ कब का, सारी रह जाता मझधार, जहर पी पी के मतलब का, जहर पी पी के मतलब का, गुरु ज्ञान पार की नव का, गुरु ज्ञान पार की नव का, परली ओढ़ जाओ माँ, छंद मिली गुरु ज्ञान की गुदरी, मेरी माँ ज्ञान की गुदरी, जगजीत प्रीत की गगरी, जगजीत प्रीत की गगरी, इसे फोड़
सरपणी पग नीचे दबी सरपणी डर के दौड़ जाओ माँ संसार कर्म का बंधन है तुम तोड़ जाओ माँ तुम तो गोपी चंद ने आध्यात्मिक उपदेश देकर अपनी मां को अनेक प्रकार समझाया, परंतु मां के हृदय से पुत्र का मोह नहीं निकल सका। उनके चेहरे में व्याकुलता के दर्शन होते रहे और ऐसा लगता रहा कि मां उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई है। तब गोपी चंद ने उन्हें भौतिक के बाद आश्वासन से तसल्ली देने का भरकस प्रयत्न किया और हाथ जोड़कर धैर्य से इस प्रकार कहने लगा, मैं तेरा लाल हूँ, ख्वाब हूँ ख्याल हूँ, मैं तेरा लाल हूँ, ख्वाब हूँ ख्याल हूँ, के जंजाल को तू प्यार जानती, काल के जंजाल को तू प्यार जानती, पाप की आवाज राजसार जानती, ओ जान ली गम है गरीब को बाहर जानती, बाहर जानती रंग जानता, अरे दीप का पतंग कोई रंग जानता, तोड़ता है अंग का न भंग जानता, ओ जलली फूकता है दीप क्या उमंग जानता, क्या उमंग जानता, तू ना उभारिए मां
ना बदलते जो तकदीर के, अंक ना बदलते जो तकदीर के, हम है पुजारी माँ की तस्वीर के। ओ जान ली मन में बसी है देखो दिल चीर के, दिल चीर के तू होशदारिये माँ मन मारिये, मैं तेरा लाल हूँ ख्वाब हूँ ख्याल हूँ, मैं तेरा लाल हूँ ख्वाब हूँ। शरण कहे से जग जोर जंग है, गुरु शरण कहे से जग जोर जंग है, अरे देख ले दिशाओं में जमाना तंग है। ओ जान ली पूछते जा पीलो खून लाल रंग है, खून लाल रंग है, विचार किया कि गोपीचंद को तो इस तरह कहना ही उचित है, क्योंकि उसको तो मुजाभागिन ने ही इस दुनिया में स्थान दिया है। उन्होंने सोचा यदि तेरा पुत्र तुझे मिल सके तो गुरु गोरखनाथ द्वारा ही मिल सकता है, क्योंकि उस पर अब उन्हीं का अधिकार है। ऐसा सोचकर मां मैनावंती गोरखनाथ से प्रार्थना करने लगी। अरे अरे दौड़ा गज की महारानी, गुरु गोरखते बोली करो संत जी माथ भूल जो मेरे से होली। बोली करो संत जी माफ भूल जो मेरे ते होली। योगी राज तेरे द्वार पड़ी सू, अरे योगी राज तेरे द्वार पड़ी सू, अरे मांगे रही खड़ी की के भिकार, माफ़ भूले जो मेरे ते।
जैसे पड़ेगी बाबा जी, भली बुरी मुझे सेड़ी पड़ेगी, अरे बिगाड़े गई मेरी अकल गुरु जी, बिगाड़े गई मेरी अकल गुरु जी, ममता ने रे मोहली करो रे संत माफ़े भूले जो मेरे ते होली। सुत गोपी चंद से घर में सब तरिया आनंद से, हाँ घर में सब तरिया आनंद से, अरे पद में से वास्तविकता तो ये थी कि गोरखनाथ तो शुरू से ही इस बात से चिंतित थे, परंतु वो भी ऐसी परिस्थिति के घेराव में घिर गए कि अब क्या करें, या मैनावंती से यूं कह दिया जाए कि तुम अपने गोपीचंद को ले जा सकती हो तो गोपीचंद को मानसिक पीड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ उस पर मां की ममता का खिंचाव पड़ेगा और दूसरी तरफ उसे गुरु की मान हानि का भय रहेगा। इसलिए गोपीचंद को सरब छछूंदर की गति में नहीं गिरना चाहिए, ऐसा विचार कर गोरखनाथ इस प्रकार कहते हैं। आह
अरे हारे महारानी हो बाबा ज्ञान के भवन में तू बिस्का जा में पहुंच जा तू अपने सागर से पारे
तूने भेजा अमर चरण वो भव सागर से पार गया। अरे देख ले पिछाड़ करके तेरा गोपी चंद लही जान दीप दिल में जलरा पूरे जो में अंधे लही काम ना के संगे बेहद सिकंजो में बंद नहीं काम ना के धंधे बेहद सिकंजो में बंद नहीं बाबा के कहे ते करे के कामन